हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू लाइफ क्लासेस में। मैं हूं अमित कुमार पांडे। आज हम फिर से बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के ही टॉपिक पर, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राचीन धार्मिक आंदोलन जो हुआ था भारत में। प्राचीन समय में जो धार्मिक आंदोलन हुआ, जिससे कि नए धर्मों का उदय हुआ, जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, और भी बहुत सारे धर्मों का उदय हुआ आगे चल के, ठीक है, बाद में आपका और सारे भी धर्म आए। लेकिन खैर, इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आखिर इसके क्या कारण रहे कि भारत में ऐसे धार्मिक सुधार आंदोलनों की ज़रूरत महसूस हुई? तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वैदिक काल के बारे में, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा मैंने बताया कितनी अच्छी थी, है ना। तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, लोग अच्छे से रह रहे थे, ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान जो थे अच्छी तरीके से हो रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उत्तर वैदिक आते आते हम लोगों ने देखा कि सभा और समिति जो थी उससे स्त्रियों को बाहर कर दिया गया, ठीक है। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, ये सब कुरीतियाँ थी हिंदू धर्म में, ठीक है। तो हिंदू धर्म में सबसे पहले तो भारत में हिंदू धर्म ही था ना एक तरीके से, तो हिंदू धर्म में बहुत सारी जो हैं विसंगतियाँ आ गई। तो इस तरीके से जहाँ पर कोई खराबी दिखाई देती है लोगों में, तो उससे द्वेष की भावना आती है और उसको सुधार करने का मन करता है। तो किसी ना किसी को तो बीड़ा उठाना पड़ेगा। तो दो धर्मों का उदय होता है इसके लिए, ठीक है, एक जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो इस बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध साहित्यों के भी बारे में पढ़ेंगे, और जैन धर्म में भी बाद में आके बुराइयाँ आ गई तो वो धर्म बट गया दो हिस्सों में, बौद्ध धर्म भी दो भागों में बट गया, उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। जैन धर्म के बारे में पूरा हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, उसके क्या क्या साहित्य हैं उस पर भी पढ़ेंगे, कौन कौन से लोग 24 तीर्थकरों में कौन कौन से लोग प्रमुख हैं उस पर चर्चा की जाएगा। बौद्ध धर्म में भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जो जो बौद्ध सम्मेलन हुआ था चारों, ठीक है, और जैन सम्मेलन भी हुआ था, उस पर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अंत तक आप लोग बने रहेंगे, क्योंकि यूपीएससी का हम लोग तैयारी कर रहे हैं ना, यूपीएससी में पूरा डिटेल से पढ़ा जाएगा ना, तो इसीलिए लंबा लंबा वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है, आप लोगों के लिए तो बनाया जा रहा है इतना टाइम निकाल के, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए, ठीक है, आप लोगों के लिए ही बनाया जा रहा है। तो अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो धार्मिक आंदोलन के कारण क्या रहे होंगे, पहले इसको हम लोग समझते हैं पूरा डिटेल से, ठीक है, बोर नहीं होना है, पूरा अच्छे से समझना है, ठीक है। तो धार्मिक आंदोलन के क्या कारण रहे होंगे, पहले इसको हम लोगों को समझना है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि उत्तर वैदिक काल से वर्ण व्यवस्था का जटिल हो गया, ठीक है, वर्ण व्यवस्था जो है बहुत ही जटिल हो गई, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में क्या होता था कि कर्म के आधार पर जो है वर्ण व्यवस्था चलती थी, ठीक है, कर्म के आधार पर अगर कोई यज्ञ कर रहा है तो उसको ब्राह्मण माना जाता था, ठीक है, दुश्मनों से रक्षा करता है अपने क्षेत्र की, ठीक है, प्रजा का रक्षा करता है तो उसको क्षत्रिय माना जाता था, जो व्यापार करता था उसको वैश्य माना जाता था, और अन्य वर्णों की जो सेवा करता था उसको शूद्र माना जाता था, ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जैसे जैसे हम लोग आते गए, तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर ना हो करके जन्म के आधार पर हो गई। मतलब कि अब कोई ब्राह्मण के घर पर अगर जन्म लेगा तो उसको ब्राह्मण माना जाएगा, क्षत्रिय के घर जन्म लेगा तो क्षत्रिय माना जाएगा, ऐसे ऐसे ही पूरा चारों वर्ण व्यवस्था है ऐसे चल पड़ी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी कुरीति आ गई, ठीक है। आगे अगर बात करें तो धार्मिक जीवन जो है आडंबरपूर्ण हो गया, यज्ञ और बलि प्रधान बन चुका था, बलि जो है वो चल पड़ा, ठीक है, यज्ञ अधिक से अधिक करवाए जाने लगे, आडंबरपूर्ण हो चुके ये सब, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के अंत तक धार्मिक कर्मकांडों एवं पुरोहितों के प्रभुत्व के विरुद्ध विरोध की भावना प्रकट होने लगी थी। अब उत्तर वैदिक काल के अंत जैसे जैसे होगा, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 BC तक है, ठीक है, जैसे जैसे उसका अंत आएगा, महाजनपद काल जैसे जैसे शुरू होगा, ठीक है, तो उसमें धार्मिक कर्मकांड और पुरोहित का प्रभुत्व बहुत अधिक हो गया रहता है। पुरोहित जो रहते हैं ब्राह्मण लोग जो यज्ञ करवाते हैं, ठीक है, उनके विरोध में लोग, उनकी भावनाएं जो हैं प्रकट होती हैं, ठीक है, उनका विरोध लोग करने लगते हैं, ठीक है।
तो उत्तर पूर्वी भारत में कृषि व्यवस्था का विकास भी धार्मिक आंदोलन की शुरुआत का एक प्रमुख कारण बना। कृषि व्यवस्था का बहुत अधिक विकास हो गया क्योंकि उत्तर वैदिक काल में हम लोगों ने देखा कि लोहे का खोज हो चुका था, लोहे का लोग प्रयोग करने लगे। तो जब लोहे की खोज हो चुकी उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, 800 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हुई, ठीक है, भारत में। और उत्तर वैदिक काल में जब लोहे की खोज हो गई तो खाद्यान्न उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया, ठीक है। और जब कृषि व्यवस्था का विकास हो गया तो यह भी एक प्रमुख कारण बना धार्मिक आंदोलन का, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं जैन धर्म की, ठीक है। तो जैन धर्म में हम लोग बात करते हैं इसकी स्थापना की। सबसे पहले तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म में पूरे 24 तीर्थकर थे, ठीक है। अब इस 24 तीर्थकरों में जो प्रथम तीर्थकर रहा होगा इसी ने इस धर्म की स्थापना किया होगा। तो जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को जाता है, ठीक है, ऋषभदेव को। अब जैन धर्म को संगठित करने एवं विकसित करने का श्रेय वर्धमान महावीर को जाता है। और यही जो महावीर थे, ठीक है, उन्हीं को, महावीर स्वामी को ही वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है जैन धर्म का, ठीक है, जो कि 24वें तीर्थकर थे और अंतिम, ठीक है। उसके बाद जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे, ठीक है। अब स्थापना किन्होंने किया था? ऋषभदेव ने। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है, किसी भी क्वेश्चन जब पेपर बनता है, ठीक है, जो पेपर बनाते हैं वो लोग ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि जैन धर्म के तीर्थकर कौन थे और उनके प्रतीक चिन्ह कौन कौन से थे। तो हम लोग पूरे 24 का नहीं याद करेंगे, 24 तीर्थकर थे, लेकिन प्रमुख प्रमुख तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में जानना आवश्यक है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे आदिनाथ या ऋषभदेव जो थे, जो कि प्रथम तीर्थकर थे जैन धर्म के, उनका जो प्रतीक चिन्ह था सांड था, ठीक है, सांड या बैल। अजीतनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। संभवनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। मल्लीनाथ, उनका प्रसिद्ध चिन्ह प्रतीक चिन्ह जो है वो कलश था। और नेमीनाथ का नील कमल था। और अरिष्ट नेमी का शंख था। और पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थकर थे, उनका सांप था, सर्प। और महावीर स्वामी का सिंह था, जो कि 24वें तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थकर थे, महावीर स्वामी के जस्ट एक पहले, उनका प्रतीक चिन्ह सांप था। यह इम्पॉर्टेंट है। देखिए आप लोगों को पहला, दूसरा और 23वां 24वां जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। तो 23वां पार्श्वनाथ थे, सांप था उनका प्रतीक चिन्ह। और महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थकर हैं, उनका सिंह था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब ऋषभदेव के बारे में थोड़ा बहुत जानना आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि ये पहले तीर्थकर थे तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब ऋषभदेव का उल्लेख कहाँ कहाँ हमें मिलता है, ठीक है। तो इनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण और भागवत पुराण, इन सभी ग्रंथों में मिलता है, ठीक है। अब ऋषभदेव का जन्म जो है वो अयोध्या में हुआ था। इनकी मृत्यु कैलाश पर्वत पर हुई थी, ठीक है, अठवैव पर्वत या कैलाश पर्वत पर हुई थी। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। इनका प्रतीक चिन्ह मैंने बता दिया, सांड है या बैल, ठीक है, दोनों आप लोग कह सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में विकल्प आपको मिलेगा वो आप लोग टिक कर सकते हैं। पार्श्वनाथ के बारे में जानना जरूरी है, जो कि 23वें थे, 23वें तीर्थकर। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, ठीक है। और इनके पिता का जो थे वो वाराणसी के राजा अश्वसेन थे। इनकी माता वामा देवी थी, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था, ठीक है, पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम प्रभावती था। यह जो है ज्ञान प्राप्ति इनको समवेत पर्वत पर मिला था। इन्होंने शरीर अपना त्याग दिया पारसनाथ की पहाड़ी पर, ठीक है। पार्श्वनाथ के अनुयायी जो थे वो त्रिग्रंथ निग्रंथ कहलाते थे, ठीक है। चलिए महावीर स्वामी के बारे में जानना तो बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग किसी का भी मत ध्यान दीजिएगा, लेकिन महावीर स्वामी के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, अगर आपको नए टाइम मिले तब की बात कर रहा हूँ, नहीं तो जानना तो सबका आवश्यक है। तो महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थकर थे, वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, ठीक है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं कौन? महावीर स्वामी, ठीक है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है। और इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनका जन्म स्थल, इनका जन्म जो है कुंडग्राम में,
540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व ही आप लोग याद कीजिएगा, एनसीईआरटी का बुक आप लोग उठा के देखिए, पुरानी एनसीईआरटी के बुक में 540 ईसा पूर्व ही लिखा है, मैंने वहीं से लिखा है। किसी किसी बुक में आप देखिएगा तो कुछ और लिखा है, 590 लिखा है, वह आप लोग नहीं याद करेंगे। ठीक है, मेरी बात आप लोग मानिएगा, एनसीईआरटी का बुक उठा के देखिए, ठीक है, चाहे ल्यूसेंट का ही आप लोग उठा कर देख लीजिए, उसमें 540 ही दिया है। ठीक है, तो अब 540 सही है। ठीक है, आप लोग यही याद कीजिए, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। इनका पिता जो थे वो सिद्धार्थ थे, वज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल में इनका जन्म, इनके पिता जो थे सिद्धार्थ थे, और माता इनकी त्रिशला थी जो लिच्छवी वंश के शासक चेटक की बहन थी। ठीक है, जिनके साथ बिंबिसार के जो पुत्र थे अजातशत्रु, उनका विवाह हुआ था। ठीक है, चलिए, पत्नी जो है यशोदा थी और पुत्री प्रियदर्शना, और इनके जो दामाद थे जामली, ठीक है, जो कि इनके प्रथम शिष्य भी थे और घोर विरोधी भी थे एक तरह से। ठीक है, इनके बचपन का नाम वर्धमान था, पहले ही मैंने बता दिया। ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ हुई थी, तो जम्भिक गाँव में, ठीक है, और साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम उपदेश इन्होंने सर्वप्रथम अपना दिया था राजगृह में। ठीक है, हम जब पूरा पढ़ लेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तो मैं आपको एक पूरा डिटेल में तुलना करके बता दूंगा। ठीक है, तो प्रथम उपदेश इन्होंने राजगृह में दिया था। ठीक है, बिल्वाचल पर्वत के बैठकर निर्वाण इनको मिला था, मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी पावापुरी में, राजगृह में ही, जहाँ पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में। ठीक है, राजगृह में ही इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, और इनकी मृत्यु भी पावापुरी राजगृह में ही हुई थी। ठीक है, मल्लगढ़ राज के प्रधान सस्तीपाल के यहाँ 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। जैन धर्म के पंच महाव्रत कौन कौन से हैं, तो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो अहिंसा मतलब कि किसी जीव की हिंसा न करना, या किसी जीव को मारना नहीं, ठीक है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना। सत्य मतलब सदा सत्य बोल लो, ठीक है, जैसे गांधी जी भी थे। परिग्रह, संपत्ति एकत्रित नहीं करना, ठीक है, किसी भी प्रकार की संपत्ति एकत्रित नहीं करना। ठीक है, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, और ब्रह्मचर्य जो कि बाद में महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ठीक है, महावीर स्वामी जो सबसे लास्ट के 24वें तीर्थंकर थे, उन्होंने बाद में इसको जोड़ा था। ठीक है, पंच महाव्रतों में, ठीक है, महाव्रतों में बाद में जोड़ा था, स्त्री से संपर्क न बनाना ब्रह्मचर्य में जोड़ा था। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, यह तीन जो हैं त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान मतलब वास्तविक ज्ञान होना, ठीक है, और सम्यक दर्शन मतलब जैन तीर्थकरों तथा उनके उपदेशों में दृढ़ आस्था तथा श्रद्धा रखना और सत्य में विश्वास रखना। ठीक है, जो जैन तीर्थकर हैं या उनके उपदेश हैं, उनमें दृढ़ विश्वास बनाए रखना, यही सम्यक दर्शन है। सम्यक चरित्र मतलब इंद्रियों और कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण रखना, जितनी भी पांचों इंद्रियां हैं, ठीक है, पांच इंद्रियां होती हैं, उस पर पूर्ण नियंत्रण इंसान का होना चाहिए, यही क्या होता है सम्यक चरित्र। तो यह जैन धर्म के त्रिरत्न थे। जैन धर्म की मान्यताएँ क्या क्या हैं, तो जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है, और जैन धर्म में कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जैन धर्म पुनर्कर्म, पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता था। जैन धर्म वाले जो थे, ठीक है, जैन धर्म में जो लोग थे, वह लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, मतलब किसी इंसान की मृत्यु हो गई, ठीक है, किसी की मृत्यु हो गई तो वो लोग मानते थे ऐसा कि उसका पुनर्जन्म होगा। ठीक है, तो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है, जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। ये लोग वर्ण व्यवस्था को मानते थे, ये लोग भी मानते थे या नहीं ऐसा तो कहीं नहीं लिखा गया, लेकिन उसकी निंदा नहीं किए हैं ये लोग, मतलब उसका स्वीकार करते थे ऐसा माना गया। जैन धर्म संस्कार की वास्तविकता को स्वीकार करता था और सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करता था। ठीक है, जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, परंतु उसका स्थान जिन्न से नीचे रखा गया है। ठीक है,
उनका स्थान जिन्न से नीचे रखा गया है। और जिन्न किसको माना जाता था? महावीर स्वामी को, ठीक है, मतलब महावीर स्वामी के नीचे ईश्वर को स्थान दिया गया है एक तरह से, ठीक है। चलिए जैन धर्म के दर्शन के बारे में बात करते हैं। तो जैन धर्म का दर्शन अनेकांतवादी, स्यादवाद और अनिश्वरवादिता है, ठीक है। जैन धर्म में सृष्टि की नित्यता को दर्शन के रूप में शामिल किया गया है। और जैन धर्म ईश्वर एवं वेदों की सत्ता को अस्वीकार करता है। जैन धर्म वाले ईश्वर और वेद की सत्ता, जो वेद चारों वेद लिखे गए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनकी सत्ता को अस्वीकार कर देता है। ईश्वर को वो मानता है लेकिन जिन्न से ऊपर नहीं मानता, ठीक है, जिन्न से नीचे मानता है। स्यादवाद को अनेकांतवाद या सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। अनेकांतवाद, स्यादवाद, ये सब होते क्या हैं, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। जानना जरूरी है, सभी चीज़ें जानना जरूरी है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए कुछ भी छोड़ा जाना जरूरी नहीं है, ठीक है। सब चीज़ पढ़ लेना चाहिए, टाइम है तो पढ़ना जरूरी है, ठीक है। जिस प्रकार जीव भिन्न भिन्न होते हैं, उसी प्रकार उनमें आत्माएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। इसके अनुसार आत्मा को परिवर्तनशील मानता है, ठीक है, तो उसको अनेकांतवाद कहते हैं, ठीक है। अनेकांतवाद मतलब इन लोगों का ऐसा मानना था कि जैसे जीव जो हैं अलग अलग होते हैं, वैसे ही उनमें जो आत्माएं हैं वह भी अलग अलग होती होंगी, ठीक है। तो वही कहा गया है कि आत्मा को परिवर्तनशील माना गया है, ठीक है। स्यादवाद, इसके अनुसार तत्व ज्ञान को पृथक पृथक दृष्टिकोण से देखा जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक काल में जीव का ज्ञान एक नहीं हो सकता है। ज्ञान की विभिन्नताएँ 7 प्रकार से हो सकती है, अतः यह दर्शन सप्तभंगीय भी कहा जाता है। इन लोगों का कहना है कि कोई एक जीव है, वह अलग अलग काल में अगर रहेगा तो उसका जो ज्ञान है वह अलग अलग होगा। किसी काल में वह अगर जन्मा है तो उसका ज्ञान अलग लेवल का होगा, किसी और काल में जन्मा है तो उसका लेवल जो ज्ञान का है वो अलग लेवल का होगा, ठीक है। तो वही कहा गया है। अनिश्वरवादिता एवं सृष्टि की नित्यता, जैन ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। वे ईश्वर को विश्व का निर्माणकर्ता और नियंता भी नहीं मानते थे। उनके अनुसार सृष्टि आदिकाल से चलती आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। यह शाश्वत नियम के आधार पर कार्य करती है। जैन धर्म वाले जो हैं वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। उनके अनुसार यह जो इस जो धरती पर जो जीवन चल रहा है, ठीक है, वह शाश्वत नियम के अनुसार चल रहा है, इसको कोई ईश्वर नहीं चला रहा है, ठीक है। यह विश्व के निर्माणकर्ता भी नहीं है ईश्वर, ठीक है। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। जैन धर्म की मौलिक शिक्षाएं क्या होती थी? तो जैन धर्म में संसार को दुख मूलक माना गया है। व्यक्ति को सांसारिक जीवन की तृष्णाएं घेरे रहती हैं, यही दुख का मूल कारण है, यही बताया गया है। दुख का मूल कारण क्या है? तो व्यक्ति को सांसारिक जीवन की जो तृष्णाएं वह घेरी रहती हैं। संसार त्याग तथा संसार संन्यास मार्ग ही, संसार को त्याग देना और संन्यास मार्ग को अपना लेना ही व्यक्ति को सच्चे मार्ग पर ले जा सकता है, ऐसा इन लोगों का मानना था, ठीक है। मतलब सांसारिक जीवन को त्याग देना और संन्यासी जीवन को अपना लेना ही प्रत्येक दुख को प्रत्येक सच्चे मार्ग पर ले जा सकता है व्यक्ति को, ठीक है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार ही कर्म फल भोगते हैं, ऐसा इन लोगों का मानना था। मौलिक शिक्षाएँ हैं ये सब। कर्म से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुद्गल के बारे में जानते हैं। तो जन्म जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव में विद्यमान आत्मा स्वाभाविक रूप से सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञाता होती है, किंतु पुद्गल के कारण यह बंधन में पड़ जाती है। पुद्गल एक कर्म पदार्थ है। जब आत्मा में पुद्गल घुल मिल जाता है तो आत्मा में एक प्रकार का रंग उत्पन्न होता है, यह रंग लेश्य कहा जाता है। लेश्य 6 रंगों का होता है, काला, नीला, धूसर, जिसे बुरे चरित्र का सूचक कहा गया, और पीला, लाल और सफ़ेद, जिसे अच्छे चरित्र का सूचक कहा गया। अब पुद्गल से मुक्ति कैसे हमें प्राप्त होगी, उसका भी मार्ग बताया गया है कि पुद्गल से मुक्ति पाने के लिए त्रिरत्न है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, इनका अनुशीलन अनिवार्य है, ठीक है। जब कर्म का अवशेष
समाप्त हो जाता है, तब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, अब जैन संघ कौन कौन से हैं, तो जैन महावीर स्वामी ने ही पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की। ठीक है, महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, उन्होंने ही जैन संघ की स्थापना की पावापुरी राजगृह में। ठीक है, पावापुरी में ही इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, राजगृह में, और यहीं पर इन्होंने जैन संघ की स्थापना भी की। सबसे पहले इन्होंने अपना जो उपदेश दिया था वो भी राजगृह में ही दिया था। ठीक है, इस संघ के जो अध्यक्ष थे क्रमानुसार कौन कौन से थे, महावीर स्वामी थे। ठीक है, महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो गई उसके बाद सुहरमन बने, उसके बाद जम्बू स्वामी, उसके बाद अंतिम बने थे केवलिन। ठीक है, अंतिम कौन बने थे, केवलिन। संघ की संरचना कौन कौन सा है, तो तीर्थकर अवतार स्वरूप होते थे, अवतार पुरुष, अरहंत जो निर्वाण के बहुत करीब थे, आचार्य जो होते थे और जैन सन्यासी समूह के प्रधान होते थे, उपाध्यक्ष एक होते थे जो जैन धर्म के अध्यापक या संत कहलाते थे, भिक्षु या भिक्षुणी जो होते थे वो सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, और श्रावक या श्राविकी जो होते थे वो गृहस्थ होकर भी संघ के सदस्य थे। ठीक है, चलिए निष्क्रमण के बारे में जानते हैं। तो जैन धर्म में या जैन संघ जिसकी स्थापना महावीर स्वामी ने किया, उसमें प्रवेश करने के लिए एक विधि संस्कार होता था। ठीक है, और इस संघ में ऊंच नीच अमीर गरीब का कोई भेद नहीं होता था। इसमें प्रवेश के लिए एक विधि संस्कार होता था जिसमें अमीर गरीब ऊंच नीच ये सब नहीं देखा जाता था। ठीक है, चंदना जो था यह भिक्षुओं के संघ की अध्यक्षता थी, और चेलना जो थी वो श्राविकियों संघ की अध्यक्षता थी। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर देख लेते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर आप लोगों को पता होगा, जैन धर्म दो भागों में जब बट गया तो एक लोग श्वेतांबर कहलाएं जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर मतलब जो वस्त्र धारण नहीं करते थे। ठीक है, तो इसके बारे इसमें क्या मूल रूप से क्या अंतर है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है, यह श्वेतांबर वालों का कहना था कि मोक्ष प्राप्ति करना है अगर तो वस्त्र त्याग करना आवश्यक थोड़ी ना है। ठीक है, वस्त्र तो धारण कर सकते हैं, लेकिन दिगंबर वालों का कहना था कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए वस्त्र त्याग करना आवश्यक है। ठीक है, अब श्वेतांबर वाले यह भी कहते थे कि स्त्रियां जो है मोक्ष की अधिकारी हैं, मतलब स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, उनका भी अधिकार है। ठीक है, लेकिन दिगंबर वाले कहते थे कि स्त्रियों को निर्वाण संभव नहीं है, स्त्रियां जो है निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती। ठीक है, श्वेतांबर वाले जो हैं वो कैवल्य के बाद भी भोजन की आवश्यकता महसूस करते थे, लेकिन दिगंबर को कैवल्य के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती थी। श्वेतांबर जो हैं मतानुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, श्वेतांबर के अनुसार जो हैं महावीर स्वामी विवाहित हैं। ठीक है, जैसा कि इतिहास में भी लिखा है, ठीक है, कि महावीर स्वामी के विवाह हुआ था। ठीक है, लेकिन दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। ठीक है, श्वेतांबर के अनुसार वो 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ स्त्री थी। ठीक है, लेकिन दिगंबर के अनुसार 19वां जो तीर्थकर था वो मल्लिनाथ एक पुरुष था। ठीक है, अंग उपांग प्रकीर्ण छेद सूत्र मूल सूत्र आदि को मानते थे, लेकिन दिगंबर इन साहित्यों में विश्वास नहीं रखते थे। इसके प्रमुख स्थूलभद्र थे। ठीक है, श्वेतांबर के प्रमुख कौन थे, स्थूलभद्र, और दिगंबर के जो प्रमुख थे वो भद्रबाहु थे। भद्रबाहु जिन्होंने चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त उनको शिक्षा दे करके और भेज दिया था वहाँ पर कर्नाटक, और वहाँ पर जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, जैन धर्म व स्वीकार करके वहाँ चले जाते हैं कर्नाटक में, और वहीं पर अपना मतलब उपवास रख के अपना प्राण त्याग देते हैं। भद्रबाहु ने ही उनको शिक्षा दी रहती है। चलिए आगे बात करते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय कौन कौन से हैं। तो श्वेतांबर जो है पुजेरा या मूर्ति पूजक या डेरावासी या मंदिर मार्गी या धुढ़िया या स्थानवासी या साधु मार्गी या थेरापंथी, ये सब श्वेतांबर के उप संप्रदाय हैं। और दिगंबर में 20पंथी और 13पंथी, 30पंथी, गुमानपंथी, तोतापंथी, यह सब इसके उप संप्रदाय है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड। ठीक है, उप संप्रदाय के बारे में पूछा जाता है जैन साहित्य, यहाँ से तो क्वेश्चन बनते ही हैं। जैन साहित्यों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। जैन साहित्य खत्म हो जाए तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
बौद्ध धर्म के बारे में। तो जैन साहित्य से क्वेश्चन बनते हैं, जैन साहित्य पूछा जाता है। जैन साहित्य जो है उसको सबसे पहली बात तो आगम कहा जाता है, ठीक है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और इसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग भी है, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र हैं, ठीक है। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन जैन धर्म के जो साहित्य हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है, अर्धमागधी। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को संस्कृत में लिखा, ठीक है, और आचरांग सूत्र वो जैन मुनियों ने जीवन के लिए आचार नियम बनाए, ठीक है, और भगवती सूत्र तो महावीर स्वामी के जीवन तथा कृत्य और उनके समकालीनों का वर्णन किया गया है, ठीक है, और इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, किसमें, भगवती सूत्र में। 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है, भगवती सूत्र में, और महावीर स्वामी के जीवन तथा कृत्यों का उल्लेख भी मिलता है। और नायाधम्म कहाँ में, महावीर स्वामी के शिक्षाओं का संग्रह है। 12 उपांग जो हैं उसमें क्या क्या हमको मिलता है, तो ब्राह्मण का वर्णन है, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोपरांत जीवन का वर्णन इसमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद 10 प्रकीर्ण है, उसमें हमको जैन धर्म से संबंधित विधि विषयों का वर्णन हमको मिलता है। और जो 6 छेद सूत्र है उसमें भिक्षुओं के लिए उपयोगी नियम है और विधियों का संग्रह है। थेरावली जो है उसमें जैन संप्रदाय के संस्थापकों की सूची दी गई है। नादि सूत्र और अनुयोग सूत्र जो है जैनियों के शब्दकोश हैं, इसमें भिक्षुओं के लिए आचरण संबंधी बातें हैं। अन्य जैन ग्रंथ जो है जैसे कल्प सूत्र, उसको संस्कृत भाषा में भद्रबाहु ने लिखा, द्रव्य संग्रह नेमी चंद्र ने लिखा है, ठीक है। कुवलय माला जो है वो द्योतन सूरी ने लिखा है, और स्यादवाद जरी जो है मल्लीसेन ने लिखा है, ठीक है। यहाँ पर बस आपको कल्प सूत्र याद कर लीजिए, भद्रबाहु ने लिखा है, ठीक है। प्रमुख जैन संगीतियाँ जो हुई सम्मेलन, उसको आप लोगों को इम्पॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, UPSC प्री के एग्ज़ाम में एक बार पूछा था, एक बार मेरे हिसाब से क्या बहुत बार पूछा होगा, ठीक है, लेकिन मैंने एक बार देखा था, ठीक है। चलिए, UPPCS में भी पूछा है, ठीक है, तो मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो प्रथम जैन संगत जो हुई वो पाटलपुत्र में हुई, ठीक है, जो अभी फिलहाल पटना कहा जाता है, पाटलपुत्र में हुई थी, जिसकी स्थापना किसने की, उदयन ने की थी, ठीक है। तो इसकी स्थापना उदयन ने की थी, और पाटलपुत्र में जैन संगत हुई प्रथम 300 ईसा पूर्व में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे, ठीक है। इसी सम्मेलन में जो है जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर, मतलब पहली जैन संगति में ही जैन धर्म, ठीक है, दो संप्रदायों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर में, ठीक है। अब द्वितीय संगत जो हुई वो गुजरात में वल्लभी में हुई 512 ईस्वी में, इसके अध्यक्ष तो थे क्षमाश्रमण या देवर्धिगढ़ थे। इस सम्मेलन में बिखरे ग्रंथों का संकलन किया गया, जो भी ग्रंथ थे जैन साहित्य के उनका संकलन किया गया, ठीक है। प्रमुख जैन तीर्थस्थल कौन कौन से हैं, तो अयोध्या, सम्मेद शिखर, पावापुरी, कैलाश पर्वत, श्रमण बेलगोला और माउंट आबू, यह जो है जैन तीर्थस्थल माने जाते हैं। अयोध्या किस लिए माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 5 तीर्थकरों का जन्म हुआ था, जिसमें से जो प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव हैं उनका भी जन्म यहीं पर हुआ था, ठीक है। और सम्मद शिखर जो है यहाँ पर पार्श्वनाथ ने अपना शरीर त्यागा था, और पावापुरी में महावीर स्वामी ने को निर्वाण प्राप्त हुआ था, महावीर स्वामी का यहाँ पर मृत्यु हुआ था पावापुरी में, ठीक है, राजगृह में, इसलिए यह स्थान तीर्थस्थल के रूप में मशहूर है। श्रवण बेलगोला जो है यहाँ पर गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा है, ठीक है, और कैलाश पर्वत पर आदिनाथ या ऋषभ देव दोनों लोगों को निर्वाण प्राप्त किया था, आदिनाथ या ऋषभ देव दोनों एक ही हैं, ऋषभ देव को ही आदिनाथ कहा जाता था, ठीक है। माउंट आबू जो है
यह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर दिलवाड़ा में के जैन मंदिर स्थित हैं। ठीक है, सफ़ेद संगमरमर से बने हुए दिलवाड़ा के जैन मंदिर यहाँ पर हैं, तो यह इसलिए प्रसिद्ध है। चलिए अन्य तथ्य जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यापनी संप्रदाय जो है वह जैन धर्म का एक संप्रदाय है। इसकी उत्पत्ति जो हुई थी दिगंबर संप्रदाय से हुई थी। यह श्वेतांबरों की मान्यताओं का भी पालन करता है। ठीक है, जैन धर्म को आश्रय प्रदान करने वाले कौन कौन से शासक थे जैन धर्म के? वैसे तो बिंबिसार और जो था और अजातशत्रु, ठीक है, यह लोग जो हैं बौद्ध धर्म को स्वीकार करते थे, लेकिन जैन धर्म को भी आश्रय प्रदान किया था। तो जैन धर्म को आश्रय देने वाले शासक जैसे महापद्म नंद, घनानंद, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, संप्रति, चंद्रप्रद्योत, खारवेल जो वहाँ का, खारवेल जो है आपका वहाँ का है, सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ, अशोक का कलिंग पे जब अशोक ने युद्ध किया था, ठीक है, तो कलिंग का जो शासक है वो खारवेल था। ठीक है, खारवेल बहुत प्रसिद्ध है, इसके बारे में बताऊंगा इसका इतिहास तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मतलब इतना विशाल इसकी सेना थी। ठीक है, अमोघवर्ष, कुमारपाल आदि इन सब शासकों को आश्रय दे, मतलब जैन धर्म को आश्रय इन सब शासकों ने दिया था। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। बौद्ध धर्म की स्थापना जो है सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध ने किया था, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, जैन धर्म की भी चल रहा था, साथ ही साथ बौद्ध धर्म भी चल रहा था। ठीक है, यह जो देश है हमारा बहुत ही महान देश है, यहाँ पर सभी धर्मों का आदर होता है। एक तो हिंदू धर्म, इतना पुराना हम लोगों का सनातन धर्म, ठीक है, ऊपर से जैन धर्म को भी मान्यता मिली। ठीक है, बौद्ध धर्म आया तो उसको भी हम लोगों ने अपनाया, जिसको अच्छा लगा उसने अपनाया। मुस्लिम लोग आए, ठीक है, मुस्लिम शासक आ गए जब, तो हम लोगों ने मुस्लिम धर्म को भी अपनाया, इस्लाम धर्म का भी प्रचार प्रसार हुआ, कुछ लोगों ने इस्लाम धर्म भी अपनाया। मतलब यह हमारा देश बहुत ही महान है, ऐसे बिरले ही देश होंगे हमारे देश के जैसे शायद कोई नहीं होगा। ठीक है, ईसाई धर्म भी है, ठीक है, और सिख धर्म भी है, ठीक है, पारसी धर्म भी है, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, मतलब अब मैं क्या बोलूँ, हमारा देश इतना महान है कि मैं अब क्या बताऊँ आपको, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनकी दिमाग में भूसा भरा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं, छोड़िए उन सब बातों को, बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जीवन परिचय हम लोग देखेंगे, तो इनका जन्म जो है एनसीईआरटी के बुक से मैंने लिखा हुआ है, यह आप लोग बस यही याद कीजिएगा, 563 ईसा पूर्व में, और कोई डेट आपको अगर कहीं दिखा हुआ मिल जाए तो वो गलत होगा। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पर, कपिलवस्तु। ठीक है, पिता इनके जो थे शुद्धोधन थे, शाक्य गणराज्य के थे, शाक्य क्षत्रिय कुल के थे, ठीक है, कपिलवस्तु के ही शासक थे। इनकी माता का नाम महामाया था, ठीक है, जो कि कोलीय वंश की थी। यहाँ पर वंश आप लोग को बहुत ही ध्यान से देखना है, इनकी माता का एक बार वंश पूछ दिया था, इनकी माता किस वंश से थी। ठीक है, मतलब बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, ठीक है, उनकी माता किस वंश से थी, ये यूपीएससी प्री का क्वेश्चन है, आप लोग उठा के देख लीजिए। तो यह कोली वंश से थी, इसीलिए मैंने इसको बाद में लिख दिया। ठीक है, और इनके पिता जो थे शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। ठीक है, इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी ने किया था, महाप्रजापति गौतमी, क्योंकि इनकी जो माता थी उनका एक सप्ताह बाद ही इनकी माता का मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। अब इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, बहुत कम आयु में ही 16 साल की अवस्था में ही इनका विवाह कर दिया गया था, तो इनके एक पुत्र प्राप्त हुआ राहुल। ठीक है,
इनकी पत्नी का एक अन्य नाम है बिंबा या फिर गोपा। ठीक है, बुद्ध के जन्म के समय भविष्यवाणी किया था, कालदेव और कौंडिल्य नामक ब्राह्मण थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक जो है या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो सन्यासी बनेगा। और बाद में चल के वो भविष्यवाणी देखिए सही भी हुआ, सन्यासी बन गए। ठीक है, अब चार दृश्य इन्होंने देखा था जिससे यह सन्यास की ओर बढ़े। एक तो बूढ़ा व्यक्ति देखा, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति का अर्थी, ठीक है, और एक सन्यासी को देखा था। ठीक है, तो उपरोक्त चार दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। और बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को, जब ये घर को त्याग देते हैं तो उसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। यह भी इम्पॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, उसको आप टिक कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। जब यह घर त्याग देते हैं तो उस घटना को क्या कहते हैं, जब ये घर से त्याग देते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए निकलते हैं घर से, तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण, तो यह भी UPSC प्री में पूछा गया है, SSC CGL में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब गृह त्याग की घटना का उल्लेख किस में किया गया है, पाली ग्रंथ महापरिग्रह वार सूत्र में मिलता है। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ कंथक नामक घोड़ा और चान या छंदक या चन्ना कहा जाता है, चन्ना नामक सारथी के साथ गए थे और अनोमा नदी पर ही उन लोगों का साथ छोड़ दिया था। अनोमा नदी है, ठीक है, वहाँ पर घोड़े और सारथी को छोड़ करके फिर अकेले वहाँ से अकेले गए थे। ठीक है, सिद्धार्थ को बुद्ध बनने की यात्रा जो है उसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे देख लें। तो ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ सबसे पहले वैशाली पहुँचे। ठीक है, वहाँ पर अलार कलाम के आश्रम में गए। ठीक है, अलार कलाम ने इनको तप की क्रिया, उपनिषद और ब्रह्म विद्या की शिक्षा दी। ठीक है, तो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम ही थे जिन्होंने इन्हें उपनिषद की शिक्षा दी। ठीक है, और ब्रह्म विद्या की शिक्षा दी, तप की क्रिया। ठीक है, वैशाली से जब ये राजगीर पहुँचे तो रुद्रक राम पुत्र के आश्रम पहुँचे, यहाँ पर इन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। फिर इनके दूसरे गुरु कौन बने, तो रुद्रक राम के पुत्र बने। ठीक है, राजगीर में। ठीक है, वैशाली में इनके गुरु कौन थे, अलारक राम। ठीक है, अलार कलाम इनके गुरु थे जिनसे इन्हें तप की क्रिया, उपनिषद का ज्ञान मिला। फिर जब ये वैशाली से राजगीर पहुँचे तो रुद्रक राम के पुत्र के आश्रम में पहुँचे, ये दूसरे गुरु थे जिनसे इन्हें योग की ज्ञान प्राप्ति हुई। अब राजगीर से उरवेला गए। ठीक है, और वहाँ पर मोहना और निरंजना नदी संगम पर 6 वर्ष की तपस्या की, लेकिन फिर भी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर जब इनके तब फिर इन्होंने क्या किया, तपस्या इन्होंने तोड़ी सुजाता नामक स्त्री से खीर खा करके। ठीक है, व्रत को तोड़ा। ठीक है, उसके बाद 35 वर्ष की आयु में सन भी आप लोगों को याद करते जाना है। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग किया था, उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में पीपल वृक्ष के नीचे सत्य की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस घटना को संबोधि कहा गया है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इसको संबोधि कहा गया है। यह घटना उन्हें समाधि के 49वें दिन प्राप्त हुआ था, जब इन्होंने समाधि ली थी उसके 49वें दिन प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, मैंने इतनी अच्छी तरीके से बनाया हुआ है, नीचे आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले इन्होंने अनोबा नदी पर अपने घर त्याग किया था, तो घोड़े और सारथी को छोड़ा था अनोबा नदी के किनारे। ठीक है, वहाँ से ये अकेले गए थे, कहाँ पर, वैशाली में अनार कलाम गुरु के पास गए जहाँ से इन्होंने उपनिषद की शिक्षा ली। उसके बाद वैशाली से ये राजगीर गए, रुद्रकराम पुत्र के पास योग ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद उरवेला गए, उरवेला में ही इन्हें निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा की रात को सत्य एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे संबोधि कहा गया। ठीक है, इतना ही आप लोगों को ध्यान देना है। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद उरवेला में जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वह क्षेत्र जो है बोधगलाया कहलाया और सिद्धार्थ जो है वो बुद्ध कहलाए। ठीक है, उरवेला का वह क्षेत्र जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बोधगया कहलाया। ठीक है, और इनको बुद्ध कहलाए। ठीक है, इनका नाम तो सिद्धार्थ था बचपन का, इनको बुद्ध कहा गया। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे धर्मचक्र परिवर्तन। तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है वह
जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश एवं दीक्षा दिए जाने की घटना को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषि पट्टन सारनाथ में दिया था। ठीक है, सबसे पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक है, अगर आएगा सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया, तो श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, सबसे पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया और इसी घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। इसका उल्लेख हमें संयुक्त निकाय में मिलता है। प्रथम उपदेश में ही गौतम बुद्ध ने चार आर्य सत्य को बताया था। चार आर्य सत्य कौन कौन से हैं कि दुख है, ठीक है, और दुख का कारण है, और दुख का निदान भी है, ठीक है, और दुख निदान के उपाय हैं। ठीक है, ये चार सत्य इन्होंने बताया था। अब अष्टांगिक मार्ग हम लोग देख लेते हैं। इसका संबंध चौथे आर्य सत्य से है। प्रथम आर्य जो सत्य है वह यह है कि दुख जो है, प्रथम आर्य सत्य के अनुसार संसार में सभी वस्तुएं दुखमय है, सभी लोगों को दुख है, लेकिन प्रथम आर्य सत्य में जन्म एवं मरण के चक्र को दुख का मूल कारण बताया गया है। ठीक है, दूसरा आर्य सत्य जो है वह यह है कि दुख समुदाय से संबंधित, कि दूसरे आर्य सत्य में दुख उत्पन्न करने का मूल कारण तृष्णा को बताया गया है, तृष्णा मन मोह को, ठीक है, मोह को। तीसरा जो है, तीसरा आर्य सत्य कि दुख निरोध, मतलब उसके उपाय क्या हैं, तो तीसरे आर्य सत्य में दुख निवारण या निरोध के लिए तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक बताया गया है। ठीक है, चौथा जो है हमारा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मतलब चौथे आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने दुख के उन्मूलन का मार्ग बताया है, यही अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं चार। ठीक है, अब अष्टांगिक मार्ग जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मोत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि मतलब वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान रखना। सम्यक संकल्प मतलब आसक्ति द्वेष हिंसा से मुक्त विचार। सम्यक व्याक मतलब अप्रिय वचनों का परित्याग। सम्यक कर्मोत मतलब दान दया सत्य अहिंसा सत्कर्मों का अनुसरण करना। सम्यक आजीव मतलब सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना। सम्यक व्यायाम मतलब विवेकपूर्ण प्रयत्न करना। सम्यक स्मृति मतलब मिथ्या धारणाओं का परित्याग कर सच्ची धारणा रखना और मन तथा चित्त की एकाग्रता। अब जैन संघ की स्थापना किन्होंने की थी, तो महावीर स्वामी ने। बौद्ध संघ की स्थापना कौन करेंगे, गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में ही प्रथम उपदेश दिया था और यहीं पर बौद्ध संघ की स्थापना की। ठीक है, और महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। ठीक है, और वहीं पर जैन संघ की स्थापना की थी। प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था और वहीं पर जैन धर्म की, जैन संघ की स्थापना की थी। और इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, इसीलिए बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में करेंगे। ठीक है, बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। संघ में प्रवेश पाने के लिए कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। माता पिता की आज्ञा भी आवश्यक थी। ठीक है, माता पिता की आज्ञा लेकर के तब कोई भी इस संघ में मतलब आ सकता था। ठीक है, अस्वस्थ शारीरिक विकलांगता, ऋणी, सैनिक एवं दासों का प्रवेश संघ में वर्जित था। किसी प्रस्ताव में मतभेद होने पर मतदान करवाया जाता था। मतदान गुप्त एवं प्रत्यक्ष दोनों रूप से होता था। 20 सदस्य गणपूर्ति होते थे। संघ के सदस्य अनुयायी दो वर्गों में बटे होते थे। एक तो भिक्षु या भिक्षुणी होते थे, ये सन्यासी जीवन जीने लगे, और उपासक या उपासिकाएं ये गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म का अनुसरण करने वाले होते थे। ठीक है, एक तो वह होते थे जो सन्यासी जीवन जीते थे, ठीक है, और एक लोग वह होते थे जो गृहस्थ जीवन जीते थे। चार होते थे, एक होता था जो शुरू वाला ब्रह्मचर्य, दूसरा आपका गृहस्थ जीवन, उसके बाद संन्यास, ठीक है, वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। ठीक है, तो एक सन्यासी जीवन जो जीने वाले लोग होते थे वो बिच्छू या बिच्छुड़ियाँ,
और एक गृहस्थ जीवन वो उपासक। ठीक है, बौद्ध संघ की सदस्यता सभी जातियों के लिए सुलभ थी। चोर और हत्यारों का प्रवेश वर्जित था। ठीक है, प्रारंभ में स्त्रियों को संघ में शामिल होने का अधिकार नहीं था, परंतु जब गौतम बुद्ध कपिल वस्तु पहुँचे तो उनकी सौतेली माता ने प्रवज्ञा ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की, परंतु गौतम बुद्ध ने मना कर दिया। जब गौतम बुद्ध कपिल वस्तु से वैशाली पहुँचे तब गौतमी भी उनके साथ वैशाली गई। अंत में आनंद के प्रबल आग्रह पर गौतम बुद्ध ने प्रवज्ञा ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की। कहीं कहीं कपिल वस्तु मिलता है। इस प्रकार सर्वप्रथम भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में हुई। अब देखिए यहाँ पर उनका एक शिष्य था आनंद। ठीक है, तो आनंद के कहने पर उन्होंने सबसे पहले, मैं आपको बता दूं कि शुरू शुरू में इस संघ में, बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश नहीं होता था, लेकिन गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे आनंद, उनकी इनके अनुरोध पर क्या किया, उन्होंने इनकी जो माता थी महाप्रजापति महामाया, ठीक है, वो उनके कहने पर, ठीक है, गौतमी को क्या किया, उपस्थित मतलब उसमें आने का न्योता स्वीकार कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। संघ में प्रवेश के समय त्रिरत्न बुद्ध सम्म और धम्म, बुद्ध संघ और धम्म, ठीक है, त्रिरत्न होते थे। जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चरित्र होता था त्रिरत्न। इसमें जो है बुद्ध संघ और धम्म, ठीक है, इसकी शपथ लेनी होती थी इसके विश्वास की, और 10 प्रतिज्ञाओं को दोहराना पड़ता था। 20 वर्ष आयु पूरी करने के बाद पूर्ण सदस्यता दे दी जाती थी। ठीक है, और गौतम बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं किया था। उन्होंने घोषणा की कि धम्म और संघ के निर्धारित नियम ही उनके उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, अब बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवश्यक 10 सिद्धांत कौन कौन से थे, तो दूसरे के धन की इच्छा न करना, झूठ नहीं बोलना, हिंसा से दूर रहना, मादक द्रव्यों का सेवन न करना और व्यभिचार न करना। ये जो 5 हैं, इन सिद्धार्थों का पालन करना गृहस्थों के लिए भी अनिवार्य था। ठीक है, गृहस्थ और सन्यासी दोनों अलग अलग प्रकार के थे ना इस संघ में, लेकिन ये जो 5 मैंने शुरू में बताया, ये 5 सिद्धांत गृहस्थों के लिए भी अनिवार्य था, और बाकी जो 10 सिद्धांत हैं उनको सन्यासी लोगों के लिए, सभी जो 10 सिद्धांत हैं सन्यासी लोगों के लिए आवश्यक थे। 5 थे तो शुरू में हो गए, और 5 संगीत और नृत्य में भाग नहीं लेना, सुगंधित द्रव्यों का उपयोग नहीं करना, असमय भोजन नहीं करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, किसी प्रकार के द्रव्य का संचय नहीं करना। ठीक है, तो सन्यासी लोगों के लिए 10 जो है सिद्धांत उसका पालन करना। ठीक है, और जो गृहस्थ लोग हैं उनको ऊपर वाले जो 5 हैं, ठीक है, वो सिर्फ पालन करना है। ठीक है, चलिए संघ के अधिकारी जो होते थे वह कौन कौन से, तो नवकंपिक निर्माण से संबंधित अधिकारी, भंडागारिक खान पान से संबंधित अधिकारी, कप्पिकारक क्रय करने वाला अधिकारी, चीवर वस्त्रागार का अधिकारी, आर्मिक आराम से संबंधित अधिकारी। ठीक है, चैत्य एवं बिहार में अंतर क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये एक प्रकार की समाधि स्थल थे, चैत्य जो है एक प्रकार का समाधि स्थल होता था। इन समाधि स्थलों में महापुरुष के शव दाह के बाद उनके धातु अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए इन समाधियों में भूमि के अंदर गाड़ दिया जाता था एवं ऊपर एक भवन का निर्माण किया जाता था। ये उपासना के केंद्र होते थे। ठीक है, चैत्य जो होते थे महापुरुषों के शवों को वहाँ पर जब गाड़ दिया जाता था, दफना दिया जाता था, ठीक है, तो धातु अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए इन समाधियों में भूमि के अंदर गाड़ दिया जाता था उनको, और उसके ऊपर एक भवन का निर्माण किया जाता था, और यहाँ पर पूजा होती थी। ठीक है, उपासना के एक केंद्र होते थे चैत्य। लेकिन बिहार जो होता था यह क्या होता था, तो बिहार में चैत्यों के पास ही
बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को रहने के लिए आवास स्थानों का निर्माण कर दिया जाता था। ये आवास स्थान ही विहार कहलाते थे। ये आवास के केंद्र थे। विहार में बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान होता था। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं परवना समारोह। चैत्य और विहार हम लोगों ने समझा। अब परवना समारोह एक प्रकार का समारोह होता था जिसमें वर्षा ऋतु के समय बौद्ध धर्म के प्रचार का कार्य नहीं किया जाता था। वर्षा ऋतु के समय इस समय बौद्ध भिक्षु विहारों में ही रहते थे। जो विहार बनवाए गए रहते थे आवास केंद्र, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए विहार बनवाए जाते थे आवास के रूप में, उसमें बौद्ध भिक्षु रहते थे। वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद पर्वन समारोह का आयोजन किया जाता था जिसमें स्त्री बौद्ध भिक्षु इन चार मास में किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। उपोषस्थ समारोह क्या होता था? तो इस समारोह का आयोजन किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षुओं द्वारा धर्म पर चर्चा करने के लिए किया जाता था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उपोषस्थ समारोह एक बार सीजीएल में आया था, तो इसका जो आयोजन होता था इसलिए किया जाता था कि सभी भिक्षु आएँ और धर्म पर चर्चा करें। ठीक है, बौद्ध संघ से जुड़े शब्द कौन कौन से हैं? तो नति या नेत या वृत्ति, यह एक शब्द है जिसका प्रयोग कब किया जाता था? तो बौद्ध संघ में लाया जाने वाला प्रस्ताव जो होता था उसको नेत या नति कहते थे। ठीक है, प्रज्ञापक जो है उसे सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला जो अधिकारी होता था, सभा में सभी लोगों के बैठने के लिए जो व्यवस्था की जाती है उस व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए जो अधिकारी एक होता था यह सब देख रेख करने के लिए, उसको प्रज्ञापक कहते थे। ठीक है, उपसंपदा संघ की पूर्ण सदस्यता। ठीक है, और समनेर या श्रमणेर प्रवज्ञा ग्रहण करने वाला व्यक्ति को कहते थे। ठीक है, गौतम बुद्ध का धर्मोपदेश स्थानानुसार भ्रमण। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे जैसे हम लोगों ने उसमें देखा था, ठीक है, जैन धर्म में भी हम लोगों ने ऐसे चार्ट बना करके अच्छे से समझा था, तो इसमें भी अच्छे से देख लेते हैं। जैसे सारनाथ में सबसे पहले इन्होंने प्रथम उपदेश दिया जिसे कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। उसके बाद उरवेला में, गया में, ठीक है, बिहार में ही पड़ेगा गया, उरवेला, कश्यप गोत्री ब्राह्मण शिष्य, ठीक है, मिला इन्हें। उसके बाद राजगीर में बिंबिसार को बेलुवन सारी पुत्र व गोकलायन शिष्य बने। ठीक है, कपिलवस्तु में बुद्ध परिवार शिष्य बना। कपिलवस्तु में बुद्ध परिवार मतलब इनकी जो माता थी मौसी, ठीक है, गौतमी, वह शिष्य बनी। उसके बाद वैशाली में गौतमी को प्रवज्ञा भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई वैशाली में, और पावापुरी में पेचिस से यह पीड़ित हो गए। ठीक है, अतिसार हो गया इनको। चलिए आगे बात करते हैं। बुद्ध जो है 45 वर्षों तक धर्मोपदेश देते रहे। उन्होंने अपने भ्रमण काल के दौरान पूर्व में चंपा, पश्चिम में कुरुक्षेत्र, उत्तर में कपिलवस्तु, दक्षिण में कौसाम्बी तक की यात्रा की। चारों दिशाओं में उपदेश देते रहे 45 वर्षों तक लगातार। बुद्ध उज्जैन नहीं गए थे, उन्होंने अपने शिष्य महाकच्छायन को उज्जैन भेजा था। ठीक है, बौद्ध धर्म की मान्यताएँ क्या हैं? दर्शन, बौद्ध दर्शन जो है क्षणिकवादी है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध दर्शन कैसा था, तो यह क्षणिकवादी है। बौद्ध दर्शन अंतः शुद्धिवादी है। बौद्ध दर्शन कर्मवादी है। कर्म का आशय कायिक वाचिक मानसिक चेष्टाओं से है। बौद्ध दर्शन अनिश्वरवादी है, अनिश्वरवादी। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाले जैन धर्म भी थे और बौद्ध धर्म भी थे। पुनर्जन्म में विश्वास ये लोग रखते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। बौद्ध धर्म की शाखा सामित्य ने आत्मा को माना है। ठीक है, आत्मा में भी विश्वास रखते थे। बौद्ध धर्म का मूलाधार चार आर्य सत्य है। और त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, संघ और धम्म। ठीक है, सीजीएल का क्वेश्चन है यह कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, संघ, धम्म। ठीक है,
बुद्ध के जीवन की चार महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हुई हैं यह जानना बहुत ही आवश्यक है। गृह त्यागा जब इन्होंने था तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया, और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको संबोधि कहा गया। जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, और जब इनकी मृत्यु हो गई ठीक है कुशीनगर के पास तो इनको महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, तो यह चार घटनाएं जो हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं बुद्ध के जीवन की। ठीक है, चलिए बुद्ध के जीवन की घटनाओं के प्रतीक देख लेते हैं। जब इनका जन्म हुआ तो उसका प्रतीक चिन्ह जो है कमल, ठीक है, गर्भ हाथी, गर्भ को हाथी के प्रतीक चिन्ह से दर्शाते हैं, और जन्म जब हुआ था उसको कमल, यौवन जो है सांड से, और गृह त्याग घोड़ा से दर्शाते हैं, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष और समृद्ध शेर से, प्रथम उपदेश उसे चक्र से दर्शाते हैं, निर्वाण पद चिन्ह मृत्यु को स्तूप से। ठीक है, स्तूप जो है प्रतीक चिन्ह है। कुल चार पशु चिन्ह महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित है। कौन कौन? एक तो आपका घोड़ा हो गया, एक सांड हो गया, दो, और एक आपका शेर हो गया तीन, और एक गर्भ वाला हाथी, ठीक है, चार चिन्ह इनके जीवन की घटनाओं को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पशु चिन्ह। बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, यहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही हैं। प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ जो हुई, ठीक है, चार संगति हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में जब हो गई, ठीक है, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा था, और इनकी मृत्यु हो गई 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 80 साल के लगभग उम्र में, 80 साल की उम्र में, ठीक है, लगभग नहीं, 80 साल की उम्र में। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसको, उस घटना को क्या कहा जाता है, मैंने बताया था, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद बौद्ध संगीतियाँ होती हैं अलग अलग राजाओं के टाइम में, तो राजाओं का नाम भी पूछा जाता है, और साथ ही साथ उसके अध्यक्ष कौन थे उस संगति के, कहाँ पर हुआ था, ठीक है, और डेट वाइज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रथम जो संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी, कहाँ पर? राजगीर में। उस समय अजात शत्रु शासक था जो कि हर्यक वंश का था। ठीक है, और उस संगति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। राजगीर आप लोग कैसे याद रखेंगे? तो हर्यक वंश की राजधानी जो थी राजगीर ही थी, तो राजगीर में ही करवाएगा। ठीक है, तो अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र था, वही उस समय राजा था। ठीक है, महाजनपद काल का, ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, उसका पुत्र अजात शत्रु। ठीक है, चलिए कार्य क्या क्या हुआ था? तो सुत्त पितक एवं विनय पितक की रचना हुई। ठीक है, दूसरी जो बौद्ध संगति हुई वह 383 ईसा पूर्व 100 साल के बाद, ठीक है, वैशाली में हुआ, कालाशोक के टाइम में। तो कालाशोक जो है, कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था। कालाशोक आप लोग कैसे याद रखेंगे? तो कालाशोक आप लोग ऐसे याद रखेंगे कि जब शिशुनाग जो है राजगद्दी पर बैठा तो उसने अपनी राजधानी जो है वैशाली बना ली थी। ठीक है, तो आप लोग इससे याद रखेंगे। ठीक है, तो 383 ईसा पूर्व में वैशाली उसने बना ली। ठीक है, और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो सब्बू कमीर, स्थलवीर यश, और संघ महासंघी वह स्थिरवार वादी में बट गया। ठीक है, बौद्ध धर्म संघ महासंघिक व अस्थिर वादी संघ में बट गया। तीसरा जो बौद्ध संगति हुआ वो 250 ईसा पूर्व में हुआ, पाटलपुत्र, ठीक है, अशोक के टाइम में, मोगली पुत्र तिस, ठीक है, मोगली पुत्र तिस ने किया अशोक के टाइम में, अशोक महान, ठीक है, मौर्य काल तब चल रहा था, मौर्य शासन, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी मौर्य में, और उसका पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र अशोक। ठीक है, उसके टाइम में क्या क्या कार्य हुआ? तो अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया, और जब चौथी संगति हुई तो 98 ईसा पूर्व में कुंडल वन में हुआ। ठीक है, वसुमित्र अध्यक्ष थे, और कनिष्क के टाइम में हुआ। कनिष्क जो है, कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक था। ठीक है,
कुषाण वंश का महान शासक था और इसके टाइम में हीन यान और महान यान में विभाजित हो गया, और यही लास्ट का है। ठीक है, उसके बाद बुद्ध के शिष्य कौन कौन से थे, कुछ प्रमुख लोगों के हम नाम जान लेते हैं। ठीक है, तो तपस्सु या मल्लिक बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी थे। ठीक है, दूसरा पंचवर्गीय ब्राह्मण, तीसरा सारिपुत्र, चौथा मौदगल्यान, पांचवा जो है राहुल, इनका ही पुत्र था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और इनके पुत्र का नाम राहुल, तो राहुल जो है इनका शिष्य भी था, पांचवा बहुत इम्पोर्टेंट। छठा जो है नंद, सौतेला भाई था। ठीक है, उपाली जो है सातवा, और आठवां जो है आनंद, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी की सहायता से ही स्त्रियों को संघ में सदस्य दिलाने में इसने बहुत ही योगदान दिया था। ठीक है, इसी के कहने पर ही गौतम बुद्ध माने थे। ठीक है, वो मतलब सहमत हुए थे कि स्त्रियों को भी संघ में आने के लिए जगह मिली थी। ठीक है, चलिए, जीवक जो था, जीवक बिंबिसार ने जीवक को अवंती नरेश प्रद्योत की चिकित्सा हेतु भेजा था। ठीक है, तो जीवक भी इनका एक शिष्य था, जीवक वैद्य था। ठीक है, बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था, वो बहुत अच्छा दोस्त था, गौतम बुद्ध का दोस्त भी था, बहुत बिहार बनवा के इनको भेंट भी किया था। और जीवक जो था राजवैद्य था बिंबिसार का, वह भी इसका शिष्य था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार जो कि मगध का शासक था, ठीक है, वह भी इनका शिष्य था। और अजातशत्रु जो है वह भी शिष्य था। ठीक है, प्रारंभ में यह महावीर स्वामी के संपर्क में रहा। ठीक है, आजीवक फिर महावीर स्वामी के संपर्क में रहा, लेकिन अंत में गौतम बुद्ध से दीक्षा ली। प्रसेनजीत, प्रसेनजीत जो कि अजातशत्रु का ससुर था, प्रसेनजीत की पुत्री के साथ अजातशत्रु जो है विवाह करता है, वह भी इनका शिष्य था। महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगत के अध्यक्ष, वह भी इनके शिष्य रहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, बुद्ध की प्रमुख शिष्याएं कौन कौन सी थी। ठीक है, औरतों में, महिलाओं में, तो महाप्रजापति गौतमी जो कि इनकी सौतेली माता रहती हैं और प्रथम शिष्या रहती हैं। ठीक है, आनंद जो है जो उनका शिष्य रहता है उसी के कहने पर इनको बनाया जाता है प्रथम शिष्या। ठीक है, उसके बाद यशोधरा जो कि इनकी पत्नी रहती है गौतम बुद्ध की। ठीक है, नंदा जो कि सौतेली बहन रहती है, आम्रपाली, विशाखा, क्षेमा जो कि बिंबिसार की पत्नी, और क्षेमा जो है वह अजातशत्रु की माँ भी रहती है। ठीक है, मल्लिका। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रमुख बोधिसत्व कौन कौन से हैं, तो अवलोकेश्वरवेद, मंजुश्री, वज्रप्राणी, क्षितिगर्भ और मैत्रेय, भावी बोधिसत्व, अभी जन्म लेना बाकी है इनका, ऐसा माना जाता है कि यह जन्म लेगा मैत्रेय। ठीक है, चलिए बौद्ध धर्म के संरक्षक राजा कौन कौन से हैं, तो इनको संरक्षण देने वाले, बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले बहुत सारे राजा थे, जिसमें से एक बहुत अच्छे बिंबिसार और अजातशत्रु थे, जिसमें से बिंबिसार जो हैं वह बहुत अच्छे मित्र भी थे। ठीक है, और अजातशत्रु पहले महावीर स्वामी के को संरक्षण देता था, उनके संपर्क में भी रहा, लेकिन बाद में गौतम बुद्ध से दीक्षा ली। ठीक है, और प्रसेनजीत जो कि कौशल नरेश थे और अजातशत्रु के ससुर थे, ठीक है, उनकी बेटी से जो है अजातशत्रु प्रेम विवाह करता है और युद्ध भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं आगे मैं बताऊँगा जब मगध साम्राज्य हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद उदयन, उदयन जो है अजातशत्रु का पुत्र, ठीक है, उसके बाद प्रद्योत, अवंती नरेश, उसके बाद अशोक और दशरथ, अशोक जो है मौर्य वंश का, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो रहता है वह भद्रबाहु के संपर्क में रहता है, उनकी दीक्षा लेकर के वो कर्नाटक चला जाता है, वहाँ पर शरीर त्याग देता है चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन यह है अशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी रहता है, जब कलिंग का युद्ध होता है उसके बाद यह बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है। ठीक है, कनिष्क, कनिष्क जो कुषाण वंश का है, ठीक है, वह भी बौद्ध धर्म, इसने ही कुषाण वंश का शासक कनिष्क, इसने ही 78 ईस्वी में शक संवत जो है शुरू किया था। ठीक है,
हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का अंतिम हिंदू सम्राट आप कह सकते हैं, अंतिम हिंदू सम्राट भारत का हर्षवर्धन ही था एक तरह से, 7वीं शताब्दी में आप कह सकते हैं। उसके बाद मुस्लिमों का शासन हो गया, अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बट गया। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम 712 ईसा में पूर्व में आक्रमण कर देता है, ठीक है। उसके बाद सहसी वंश और पाल वंश के कुछ शासकों ने, ठीक है। उसके बाद बौद्ध धर्म के अष्ट महास्थान कौन कौन से, तो लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशिनारा, ठीक है, जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती में ही सबसे अधिक इन्होंने क्या किया है, उपदेश दिया है। उसके बाद राजगिरी है, संकिसा है, वैशाली है, ठीक है। तो यह सब स्थान जो है अष्ट, मतलब आठ महास्थान माने जाते हैं बौद्ध धर्म में, आठ महास्थान, ठीक है। इन सब जगहों पर जाना आवश्यक है, देख लीजिएगा आप लोग। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के क्या कारण थे, बौद्ध धर्म सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ, जैन धर्म से भी अधिक लोकप्रिय बौद्ध धर्म हुआ, ठीक है। जैन धर्म उतना अधिक प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, लेकिन बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रचार हुआ। अशोक ने तो अपने बेटी बेटाओं बेटी बेटे को भेजा था श्रीलंका, ठीक है, और इधर आपका मतलब देश विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, ठीक। तो इसके क्या कारण थे, तो इसको जानना आवश्यक है। तो सबसे पहली बात तो धार्मिक वाद विवाद से अलग रहा यह धर्म, और इस कारण जन सामान्य आकर्षित हुआ। वर्ण व्यवस्था की निंदा करने से निम्न वर्गों का समर्थन प्राप्त हुआ, ठीक है। देखिए जैन धर्म जो था और वह वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं किया, ठीक है। धार्मिक आंदोलन तो हुआ, ठीक है, वर्ण व्यवस्था के ही बदले, लेकिन उसने क्या किया, वर्ण व्यवस्था जो फैली हुई थी कुरूति एक तरह से वर्ण व्यवस्था, उसका विरोध नहीं किया। लेकिन बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, और इसीलिए जो निम्न जाति के लोग थे बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। और आपने जाना होगा बाद में जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बाद में भीमराव अंबेडकर जो कि निम्न जाति के थे, वह भी बाद में बहुत सारे लोगों को लेकर के बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म जो है जाति प्रथा का विरोध था, ठीक है, विरोध करता था, निंदा करता था, इसीलिए उसकी ओर आकर्षित थे बहुत लोग। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर भी बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं, ठीक है। हिंदू धर्म में बहुत अधिक रुष्ट थे भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि वो छोटे जाट के लोगों को उतनी सुविधाएं नहीं देता था, ठीक है। तो ऐसा हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। चलिए, बौद्ध संघ सभी जातियों के लिए खुला था। ब्राह्मणवाद के विरोधी लोगों का बौद्ध धर्म की ओर रुचि था, और बुद्ध का व्यक्तित्व व उपदेश प्रणाली इसका एक प्रमुख कारण था। उपदेश की भाषा पाली थी, पाली जनसाधारण की भाषा थी। सबसे प्रमुख कारण तो यही था कि ये जब उपदेश देते थे तो पाली भाषा में देते थे, जो कि उस समय की प्रचलित भाषा थी। और अगर हम बात करें जैन धर्मों की, तो वह उपदेश जो देते थे या फिर जो साहित्य लिखे गए हैं वो सब प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है, अर्धमगधी, और यहाँ पर पाली भाषा। संघ की स्थापना, महत्वपूर्ण शासकों का सहयोग भी मिला, ठीक है, ये सब प्रमुख कारण रहे, ठीक है। अब अगर हम तुलना करके पढ़े, जैसा कि हमने बताया, मैंने बताया था शुरू में ही कि अगर हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म पूरा ख़त्म कर लेंगे तो तुलना करके भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो समानताएँ क्या है और असमानताएँ क्या थी इन दोनों धर्मों में, उसको हम लोग अच्छे से अब पढ़ लेंगे, ठीक है। तो समानताएँ क्या क्या हैं पहले उसको हम लोग जान लें। तो जैन धर्म जो है, सबसे पहले समानता क्या थी दोनों धर्मों में, ठीक है। तो दोनों धर्म जो है अनिश्वरवादी थे, ठीक है, दोनों धर्म जो है ईश्वर को नहीं मानते थे, और दोनों धर्म जो है वैदिक सिद्धांत नहीं मानते थे। जो ऋग्वैदिक काल में जो वैदिक सिद्धांत बने थे वैदिक काल में, उसको नहीं मानते थे। दोनों धर्मों द्वारा यज्ञ विधान व कर्मकांडों का विरोध किया गया, जो यज्ञ किए जाते थे, ठीक है, जो कर्मकांड किए जाते थे उसका विरोध किया इन लोगों ने। दोनों धर्मों द्वारा जाति प्रथा एवं लिंग भेद की निंदा की गई, और दोनों धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। यह तो हो गई समानता की बात, ठीक है। अब असमानताएँ कौन कौन सी थी, ठीक है। तो जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया, ठीक है। जैन धर्म वाले कहते थे कि अहिंसा तनिक भर भी मत करो, लेकिन बौद्ध धर्म ने
जैन धर्म से कम अहिंसा पर बल दिया। ठीक है, जैन धर्म आत्मा को शाश्वत मानता है, अर्थात जीव में आत्मा होती है, किंतु बौद्ध धर्म ईश्वर एवं आत्मा दोनों को ही नहीं मानता। ठीक है, बौद्ध धर्म आत्मा को भी नहीं मानता। जैन धर्म आत्मावादी है और बौद्ध धर्म अनात्मावादी है। अनात्मवादी मतलब सबसे बड़ा डिफरेंस आप लोग जान रहे हैं ना। देखिए मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है, मतलब कि जैन धर्म जो है आत्मा को शाश्वत मानता है और ईश्वर को नहीं मानता, और यह कहता है कि प्रत्येक जीव में आत्मा होती है। लेकिन बौद्ध धर्म न तो ईश्वर को मानता है और न तो आत्मा को मानता है। बौद्ध धर्म यह कहता है कि ना तो आत्मा है ना ईश्वर है। ठीक है, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास दोनों लोग करते हैं। ठीक है, जैन धर्म में कठोर तपस्या आत्म हत्या को मान्यता है, बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं। जैन धर्म में कठोर तपस्या करना आत्महत्या या संलेखना को मान्यता है, मतलब कोई भी आत्महत्या कर सकता है, ऐसा उन लोगों का मानना है। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जैन धर्म का विकास भारत के बाहर नहीं हो सका, जबकि बौद्ध धर्म वैश्विक है। ठीक है, पूरा विश्व में इसका प्रचार प्रसार हुआ है। ठीक है, जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता, जबकि बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है। ये तो मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद बौद्ध धर्म का विभाजन कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हीनयान और महायान में इसका विभाजन हो गया दो प्रमुख भागों में। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में भी पढ़ा, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बट गया था, वैसे ही बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में बट गया। हीनयान जो है गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे और महायान गौतम बुद्ध को देवता मानते थे। ठीक है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। हीनयान सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हीनयान वाले यह कहते थे कि गौतम बुद्ध महापुरुष हैं और यह व्यक्तिवादी धर्म था। ठीक है, अर्थात सभी को अपने व्यक्तिगत प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। इसका मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। हीनयान को मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। इनकी साधना पद्धति कठोर थी एवं मोक्ष जीवन का हिमायती था। इनका साहित्य पाली भाषा में था। ठीक है, हीनयान ही सबसे अधिक प्रचलित हुआ। ठीक है, क्योंकि पाली भाषा में लिखा गया था। अब महायान को अगर हम देखें तो गौतम बुद्ध को ये लोग देवता मानते थे, पर सेवा तथा परोपकार पर बल दिया। यह सभी का कल्याण चाहते थे। इनका मानना था कि बोधिसत्व गुणों का हस्तांतरण हो सकता है। ये मूर्ति पूजा के पक्ष में थे। बुद्ध की भक्ति सिद्धांत सरल व सुलभ थे। भिक्षुओं के साथ उपासकों का भी महत्व था। इनका साहित्य संस्कृत भाषा में था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बौद्ध धर्म के अन्य संप्रदाय कौन कौन से हैं? जैसे हम लोगों ने जैन धर्म में भी अलग अलग संप्रदाय पढ़े। ठीक है, अब हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व मध्यकाल में बौद्ध धर्म के अंदर तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ रहा था। इसी के प्रभाव से ब्रजयान संप्रदाय का उदय हुआ। ठीक है, ब्रजयानी संप्रदाय में लोग ब्रज का संदर्भ धर्म के साथ स्थापित करते थे एवं इसकी प्राप्ति के लिए पंचमकार या मग मांस मैथुन मत्स्य मुद्रा की साधना करते थे। यह जादुई शक्ति को प्राप्त करके मुक्त होने की संकल्पना थी। इसके केंद्र नालंदा विक्रमशिला सोमपुरी और जगदल्ला थे। ठीक है, तंत्रवाद को बौद्ध संप्रदाय में अपनाने वाला सर्वज्ञ मित्र था। ठीक है, चक्रयान एवं सहजयान का संबंध वज्रयान संप्रदाय से था। प्रमुख बौद्ध विद्वान कौन कौन से थे? ठीक है, तो हम लोग बहुत ही नागार्जुन तो बहुत ही फेमस हैं। ठीक है, इन्होंने ही शून्यवाद के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने ही बहुत फेमस है नागार्जुन। चलिए हम सभी बौद्ध विद्वानों के बारे में जानते हैं। जैसे अश्वघोष, तो यह कनिष्क के काल के थे। एक बुद्ध चरितम नामक ग्रंथ की रचना भी इन्होंने की, अश्वघोष ने। ठीक है, बुद्ध चरितम नामक ग्रंथ की रचना अश्वघोष ने की, यह कनिष्क के समय के थे। उसके बाद नागार्जुन के बारे में जानते हैं, तो इन्होंने बौद्ध दर्शन के माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया है जो शून्यवाद के नाम से जानी जाती है। वसुबंध, जो कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहे जाने वाले अधिधम्म कोश की रचना की इन्होंने।
बुद्ध घोष इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक विशुद्धि मार्ग ही न्यान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। बौद्ध साहित्यों के बारे में जान लेते हैं। त्रिपिटक, त्रिपिटक जैसे विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। त्रिपिटक आपको जो कहना हो तो तुरंत कहिए त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, यह तीनों रचनाएं बौद्ध साहित्य हैं, ठीक है। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है, प्राचीनतम ग्रंथ हैं। सुत्त पिटक में क्या क्या है, तो इसमें बौद्ध के धार्मिक विचारों उपदेशों का संग्रह है, ठीक है, और गद्य और पद्य का मिश्रण है। इसमें पांच निकाय विभाजित है, ठीक है, दीर्घ निकाय और संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक। महाजनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय में ही मिलता है। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु के अनुशासन संबंधी नियम है, संघ की कार्य प्रणाली की व्याख्या है। अभिगम्य पिटक महात्मा बुद्ध के उपदेश जो है सिद्धांतों के दार्शनिक व्याख्या की गई है, ठीक है। अतिथि बौद्ध संगति का भी वर्णन अशोक के टाइम में जो हुआ था इसी संकलन में मिलता है अभिगम्य पिटक में। अन्य बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो प्रज्ञा पारमिता महायान संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक पुस्तक है, इसके लेखक नागार्जुन है, ठीक है, नागार्जुन प्रमुख विद्वान थे, ठीक है। जातक कथाएं भी हमको देखने की मिलती हैं। इसमें भगवान बुद्ध के 84,000 पूर्व जन्मों की 500 से अधिक गाथाएं हैं। यह खुद्दक निकाय सुत्त पिटक का 10वां ग्रंथ है। थेर गाथा और थेरी गाथा में अंतर, थेर गाथा जो है बौद्ध भिक्षुओं का संकलित ग्रंथ है और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुओं द्वारा, मतलब महिलाएं जो होती थी उनके द्वारा संकलित ग्रंथ है। बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण है, ठीक है। वैसे तो बौद्ध धर्म का पतन हुआ नहीं है, अगर देखा जाए तो बहुत अधिक फैला है, चीन, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है, बहुत जगह फैला है, लेकिन पतन तो हुआ है, ठीक है। तो उसके क्या कारण थे, तो बौद्ध धर्म में कर्मकांडों का प्रभाव बढ़ गया था। पाली भाषा त्याग कर संस्कृत अपना लेना एक प्रमुख कारण था। मूर्ति पूजा का प्रारंभ हो चुका था। भक्तों से भारी मात्रा में ध्यान प्राप्ति, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हो गया। ब्राह्मण धर्म में जो भी कुरीतियाँ थे उनको सुधार किया गया, इसलिए ब्राह्मण धर्म शुरू से ही अभी तक कितने धर्म आए, कितने चले गए, लेकिन ब्राह्मण धर्म का कुछ कर नहीं पाए, ठीक है, ठीक है। तो ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ और बौद्ध विहारों में कुरीतियाँ एवं भोग विलासता, कुछ शासकों द्वारा बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण। चलिए यहाँ पर हमारा ये ख़त्म होता है, उसके बाद हम लोग महाजनपद काल पढ़ेंगे। तो ये तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक है, तो आशा आपको वीडियो पसंद आएगा, कुछ भी छूटा नहीं है, ठीक है, दोहरा लीजिए आप लोग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, महाजनपद काल के साथ। महाजनपद काल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और एक एक टॉपिक पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि आपका UPSC मेंस में भी अगर लिखने को आ जाए तो आप लोग लिख डालें, ठीक है। तो इसी कामना के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।